हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये अब तक का ब्रिटिश राज के अंदर सबसे बड़ा एक्ट होने वाला है। और इसको मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जिसमें मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम का और क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। तो क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस रिफॉर्म से 3-4 साल पहले गांधी जी इंडिया में आ चुके हैं। इस रिफॉर्म के बाद हम गांधी जी के बारे में कुछ चीजें, इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, ताकि हम वीडियो को एक साथ लेकर कनेक्ट कर पाएं। तो इस रिफॉर्म को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स बता देता हूँ, और बैक ऑफ द माइंड वो पैरामीटर्स याद रखना। फिर इस रिफॉर्म को जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नंबर 1, अब तक ब्रिटिशर्स को ये पता चल चुका था कि अगर हमें इंडिया में कुछ काम करवाना है या फिर अपनी सरकार चलानी है, तो हमें इंडियंस को गवर्नमेंट के अंदर एंट्री देनी पड़ेगी और उनको काउंसिल में लाना पड़ेगा, जिससे कि बवाल खड़ा ना हो। दूसरा, ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को काउंसिल के अंदर ला रहे थे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखते थे कि इंडियंस को किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा पावर ना मिल जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा कंट्रोल छिन जाएगा, और ये ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे। तो कहने के लिए इंडियंस को काउंसिल में ऐड किया जा रहा था, लेकिन पावर इंडियंस के पास बहुत कम होती थी और कंट्रोल तो ना के बराबर ही था। तो इन दो पॉइंट्स को याद रखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आरजे एंड यू आर वॉचिंग मिशन 360, सो स्टे ट्यून। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये था, जैसे कि आपको पता है कि 1858 के बाद सारे एक्ट्स जो भी आते थे वो ब्रिटिश से बन के आते थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस एक्ट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की पावर को कम किया गया ब्रिटिश क्राउन ने, और एक ऑफिस बनाया गया जो था ऑफिस ऑफ हाई कमीशन, जो लंदन में था, लेकिन उसकी पूरी सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से होती थी, पर एग्जिस्ट दोनों ही करते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंदर ऑफिस ऑफ हाई कमीशन एंड इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की पावर को थोड़ा सा कम किया गया। पॉइंट नंबर 2, अभी तक जैसे कि आपको पता है जो हमने एक्ट्स देखे थे उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझता था और वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता था। हालांकि लेजिस्लेचर भी बैठता था, लेकिन फाइनल डिसीजन एग्जीक्यूटिव का ही होता था। लेकिन इस एक्ट के बाद एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया, जिसमें लेजिस्लेचर को ज्यादा पावर दे दी गई और ये बोला गया कि लेजिस्लेचर भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पास कर सकता है एंड रिमूव एग्जीक्यूटिव, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया। अभी इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि सेंटर में राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है, तो ऐसे ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर जैसे कि अभी है, ऐसे ही उस टाइम पर किया गया, जिसमें अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों ही जगह पर ज्यादातर लोग इलेक्टेड होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 3 साल का होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर 60 मेंबर्स होंगे, जिसमें 33 इलेक्टेड होंगे एंड 27 नॉमिनेटेड होंगे, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 145 मेंबर्स होंगे, जिसमें 103 इलेक्टेड होंगे और 42 नॉमिनेटेड होंगे। अब लॉ बनाने के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर लॉ बनेगा अपनी कंट्री में, जिसमें लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स में 2 पार्ट में गवर्नमेंट डिवाइड हो गई, एक सेंट्रल में और एक प्रोविंशियल में। प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स में, तो स्टेट्स में मतलब प्रोविंसेस में डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, जिसमें 2 तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में
जो सब्जेक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली गवर्नर के अंडर होंगे, जो स्टेट का गवर्नर होगा, और वो किसी से पूछेगा नहीं इनके ऊपर लॉ बनाने के लिए, और वो लॉ बनाने के लिए स्टेट की काउंसिल से ना तो डिस्कशन करेगा ना पूछेगा, वो डायरेक्टली इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना देगा। जैसे कि फाइनेंस या और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नर बना देगा बिना किसी से पूछे। और ट्रांसफर्ड में जो भी लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर जो भी लॉ बनेगा वो काउंसिल में डिस्कशन होगा, स्टेट के काउंसिल में, और तब जाकर उन पर लॉ बनेगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स दिए थे वो बहुत बेकार बेकार से सब्जेक्ट्स थे, मतलब खास पावर नहीं थी। जो मेन पावर थी वो गवर्नर ने अपने पास ले ली थी, जिसमें वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के अंदर डाले गए थे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डायर्ची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट्स या प्रोविंसेस बट नॉट इन द सेंट्रल। और यहाँ पर लोगों को वोटिंग पावर भी दी गई थी टू सम पीपल, जो लोग कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, तो इस बेसिस पर भी उनको ये डिवाइड किया था कि ये लोग कितना हद तक वोट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वोटिंग पावर गिवन टू सम पीपल डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स अमाउंट दे आर पेइंग एंड वॉट इज देयर एजुकेशन स्टेटस। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक ही इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा पाए थे, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है, मैं उन वीडियोस का लिंक भी यहाँ पर डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। तो इस एक्ट के बाद 3 इंडियंस आउट ऑफ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर कर चुके थे, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज थी हम इंडियंस के लिए। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर ब्रिटिशर्स हैं और 3 मेंबर्स इंडियंस हो चुके हैं इस एक्ट के बाद, जो कि एक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब सेंटर की। अभी इस एक्ट में एक बहुत सबसे ज्यादा बुरी चीज होने वाली थी, जो अभी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, लास्ट एक्ट में जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, जो कि एक कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जो मिंटो लाया था, जिसको फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट किए गए फॉर एंग्लो इंडियंस, फॉर सिख, फॉर क्रिश्चियंस, फॉर यूरोपियंस, फॉर मुस्लिम्स। तो इस एक्ट के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम इंडियंस को अलग अलग धर्म के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, नॉट ओनली हिंदू और मुस्लिम, लेकिन सारे धर्मों के बेस पर, जो कि एक बहुत बहुत बुरा स्टेप था, जिसके लिए गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था। और इसी एक्ट में प्रोविंस का बजट सेपरेट किया गया सेंट्रल के बजट से। और इसके बाद जब बोला गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन होगा 1926 में, जो कि सेटअप हुआ भी था, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप कब हुआ, तो जिसका आंसर है 1926, और किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब क्योंकि ये इतना बड़ा एक्ट था जो पहली बार ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे, तो फिर इसको एक तरह से कह सकते हो कि चेक भी करना था कि ये एक्ट सही है या नहीं है, इससे लोगों की ग्रोथ हो रही है और हम ब्रिटिशर्स भी स्टेबल हैं इंडिया में। तो ये सब चेक करने के लिए कमेटी बनाई जाने वाली थी, या कह सकते हो स्टैट्यूटरी कमीशन बनने जाना था, जो बनना था ठीक इसके 10 साल बाद, मतलब 1929 में, लेकिन वो 2 साल पहले ही इंडिया आ गया था, मतलब 1927 में, जो इनकी पॉलिसीज को जज करेगा और अगर कोई कमी होगी तो उसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएगा, जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसके ऊपर भी बहुत बवाल हुआ था इंडिया में, तो उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी के लिए ये वाला एक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिटेल में बात करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड एट लास्ट, जय हिंद। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप इस तरह के वीडियोस और देख पाएं, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भारत का इतिहास जानना चाहते हैं डिटेल में। प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट, जय हिंद।